नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो एक बार फिर से आप सभी राजस्थान वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। इसी के साथ मैं आपको बता दें, अभी अभी राजस्थान सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और यह फैसला रीट भर्ती परीक्षा जो कि 26 सितंबर को होने जा रही है इसको लेकर लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, 26 सितंबर 2021 को पूरे राजस्थान में, यानी कि 33 जिले हैं राजस्थान में, पूरे 33 जिलों में इंटरनेट बंद रहने वाला है और यह इंटरनेट सुबह 5 बजे से और शाम को 6 बजे तक के लिए बंद रखने का आह्वान किया गया है। दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान से जुड़ी हर छोटी से छोटी हाईलाइट खबर सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट की जाती है। आपको बता दें कि इस चीज़ पर बहुत पहले से संशय चल रहा था कि 26 सितंबर को इंटरनेट बंद रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन अभी अभी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के द्वारा भी ट्विटर पर ट्वीट कर दिया गया है और बताया गया है कि रीट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर और दूर हुआ इंटरनेट बंद पर संशय। 26 सितंबर को बंद रहेगा पूरे राजस्थान में इंटरनेट, सोशल मीडिया पर चल रही थी अफवाह जो कि आज इसका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया है। अब दोस्तों आपको बता दें कि अब रीट ये जो भर्ती परीक्षा होने जा रही है लगभग 31,000 पदों पर, इससे पहले एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी। आप सभी को पता है, आप सभी ने इसमें से एक दो ने एग्जाम भी दिया होगा। इस भर्ती में बहुत ही तेज घपला हुआ है और सोशल मीडिया पर भी जो ओएमआर शीट है वो आ गई थी और अभी भी इस पर चल रहा है कि और इस जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं वो लगातार जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगार एकीकृत जो महासंघ के अध्यक्ष हैं उपेन यादव के नेतृत्व में लगातार कर रहे हैं कि आरपीएससी के द्वारा एसआई एग्जाम रद्द करना चाहिए, क्योंकि अलवर की जो नेहरू स्कूल है वहाँ से ओएमआर शीट वायरल हो गई थी और 17 जो आरोपी हैं वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन अभी आरपीएससी के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि पेपर रद्द होगा और दोबारा से होगा, लेकिन दोस्तों इसी की सुरक्षा के मद्देनजर 26 सितंबर को जो रीट परीक्षा होने जा रही है यहाँ पर सरकार के द्वारा अब की बार पूरी तरह से जो इंटरनेट है वो बंद रहने वाला है। तो ये थी पूरी जानकारी। इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि राजस्थान से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर आपको इस चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।